नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। पिछले साल दिसंबर से मैं प्राइवेसी बिल पे सवाल उठा रहा हूं। 30 दिसंबर को मेरा वीडियो आया था और उससे भी पहले कई वीडियो आए थे जिसमें मैंने बार बार कहा था कि सरकार जो प्राइवेसी बिल ला रही है ये प्राइवेसी देने के लिए नहीं ला रही है, बल्कि ये प्राइवेसी का हरण करने की तैयारी कर रही है। और आज सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, इस बिल में खामियां क्या थी, खूबियां क्या थी, अब वापस होने के बाद जो नया बिल आने वाला है उसमें क्या बदल सकता है, इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। आपको अपनी ताकत का अगर अभी भी एहसास नहीं हुआ है तो कर लीजिए। आप एक एक वीडियो जो फॉरवर्ड करते हैं ना, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 30 लोगों को भेजते हैं ना, उससे इस देश में एक जनमानस तैयार होता है और एक माहौल बनता है, और उस माहौल का ही असर आप सरकार के फैसलों में देखते हैं। क्योंकि सरकार लगातार सब चीज़ों पर नज़र रखती है, मॉनिटरिंग करती है, उसको ध्यान रहता है कहाँ कौन क्या बोल रहा है, कौन जबरदस्ती सरकार के पीछे पड़ा हुआ है, कौन सकारात्मक समीक्षा कर रहा है और सरकार की कमियां निकाल रहा है। और जब आप इन चीज़ों को फॉरवर्ड करते हैं तो सरकार को भी सोचना पड़ता है कि ये एक जनता की राय बन रही है, हमको जवाब देना होगा, हम क्या जवाब दें। एक डाटा प्रोटेक्शन बिल आया था जो हमारी प्राइवेसी के लिए था। मैंने उसको लेकर कई सवाल खड़े किए थे और उन सवालों के बारे में जो मैंने बताया था कि किस तरह से 2020 में JPC बनाई, दो बार एक्सटेंशन दिए और उसके बाद में भी जो बिल आपके सामने आया उसमें जो JPC के चेयरमैन थे PP चौधरी, उनके एक बयान ने सबकी हसरतों पे पानी फेर दिया। हम भी जानते थे हमारी प्राइवेसी खतरे में है, हम भी जानते थे टेक कंपनियां, सोशल मीडिया कंपनियां, गूगल, फेसबुक हमारा डाटा ले रही हैं, देश का डाटा बाहर जा रहा है और उसका कहाँ दुरुपयोग होगा कोई नहीं जानता। लेकिन जो PP चौधरी का बयान आया उसने सबकी जो आशाएं थी उस पर पानी फेर दिया। उनका जो बयान था उसमें कहा कि हम जो डाटा प्रोटेक्शन बिल ला रहे हैं उसमें लोगों के निजी अधिकारों से ज़्यादा राष्ट्रीय हितों को प्रायोरिटी देंगे। जहां आप कहते हैं कि हम राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा को प्रायोरिटी देंगे और नागरिक अधिकारों को कम प्रायोरिटी देंगे, वहाँ आप एक बात कह रहे होते हैं। मैं कई बार कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इस देश में ये जो निज़ाम चल रहा है, ये मोदी जी की सरकार चल रही है, ये सरकार हिटलर जैसी सरकार हो, तानाशाह सरकार हो। आने वाले समय में हो सकता है कि इसकी 10 गुनी तानाशाह सरकार कोई आ जाए और वो एक मिनट में सब उलट दे। जो मैंने अभी दूसरे चैनल पर भी बनाया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर, जो ED से जुड़ा हुआ कानून है उस पर, कि किस तरह से कांग्रेस सरकार पावर लेने के लिए कानून लेके आई थी और अब उसके नेता ही उसमें फंस गए क्योंकि वो कानून उसने ऐसा लाया जो जन विरोधी कानून था। खैर, तो ये जो कानून जो लाने की बात कर रहे हैं उसमें सरकार को आपकी प्राइवेसी पर, आपकी निजी ज़िंदगी पर असीम अधिकार हो जाएंगे। जबकि इस बिल को लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जो आधार मामले में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्राइवेसी लोगों का मौलिक अधिकार है। कुछ लोगों को लगता है प्राइवेसी में क्या, हमारी तो खुली किताब है, हमारा छुपाने का क्या है, लेकिन ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें प्राइवेट होती हैं। आपका आराम करने का समय भी आपका प्राइवेट है। उस दौरान कोई अगर आपको फ़ोन करता है तब क्या होगा। मैं अगर कहीं जा रहा हूँ, किसी जगह पर जा रहा हूँ, वहाँ मैं पहुंचूं और 200 लोग आ जाएं, 300 लोग आ जाएं कि हम भाई आपके वीडियो देखते हैं, हम आपके बहुत अच्छे फ़ैन हैं, इसलिए क्योंकि कोई मेरे उस समय को, मेरी उस प्राइवेसी को पब्लिक कर दे, भाई सुन के तो बहुत अच्छा लगेगा लेकिन जिस प्रोग्राम के लिए मैं गया हूं वो तो चौपट हो जाएगा ना। मान लीजिए मैं किसी की शादी में गया, वहाँ के इलाके 200 लोग आ गए, तो वो आदमी जिसकी शादी है वो तो डिस्टर्ब भी हो जाएगा ना। तो इसलिए जो है ये प्राइवेसी का बहुत महत्व है। हमारा फ़ोन नंबर किसी के पास चला जाए, वो बिला वजह फ़ोन करने लगे, ये भी हमारी प्राइवेसी है। तो बहरहाल जो भी है, लेकिन ये जो कानून आया था इसमें सरकार ने बहुत सारे ऐसी चीज़ें की जिसने लोगों को मुसीबत में डाल दिया। उन्होंने क्या कहा कि टेक कंपनियां जितनी भी हैं, अब आप देखिए ये प्राइवेसी दे रहे हैं कि ले रहे हैं,
व्हाट्सएप कह रहा है कि मैं एंड टू एंड इनक्रिप्शन रखता हूँ, यानी जैसे ही आप कोई मैसेज यहाँ से जनरेट करेंगे वो इनक्रिप्टेड हो गया, उसके ऊपर ताले लग गए, 1, 2, 3, 4, 7 ताले लग गए। अब वो रास्ते में कोई नहीं खोल सकता, सरकार भी नहीं खोल सकती अगर इंटरसेप्ट कर ले, फिर क्या होगा? वो आपका मैसेज जिस आदमी को आपने भेजा जब उसको डिलीवर हो जाएगा तो उसके मोबाइल में जाके वो मैसेज डिक्रिप्ट हो जाएगा, मतलब वो अपने आप उसके पास खुल जाएगा, मतलब वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, ताला लगा के गया और वहाँ पर ताला खुला। तो अब ये जो सरकार कह रही है कि हमको जब डाटा चाहिए आपको देना पड़ेगा और हम आपके सर्वर से जब चाहें डाटा निकाल सकें, डाटा को भारत में ही रखना पड़ेगा, जब सरकार मांगेगी आपको देना पड़ेगा, तो इस सब चीज़ों से ये पता चल रहा था कि ये जो हाई एंड इनक्रिप्टेड प्राइवेसी थी हमारी, ये तो खतरे में पड़ जाएगी। यानी मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और मैंने अपने बिजनेस से जुड़ा हुआ डाटा किसी अपने कलीग को भेजा, और सरकार में कोई आदमी है जो मिला हुआ है मेरे कंपटीशन से, उसने निकाल के उसको डाटा दे दिया, तो बड़ी बड़ी कंपनियां गिर जाएंगी इतने वर्ष से, लेकिन सरकार ने कानून बना दिया था। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें सरकार ने बनाई थी, लेकिन दिक्कत पता है क्या आ रही थी इसमें? दिक्कत जनता का दबाव तो था ही, लेकिन जनहित की परवाह ये सरकार उतना नहीं करती है जितना कि ये मल्टीनेशनल फोर्सेस की परवाह करती है। हुआ क्या कि इस बिल को जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, टेक कंपनियां, वो हजम नहीं कर पा रही थी। और फेसबुक का कितना इन्फ्लुएंस है भारत में आप जानते ही हैं, जब हमारे देश में टिकटॉक प्रतिबंधित हो सकता है क्योंकि वो नंबर वन प्लेटफॉर्म बन गया था दुनिया का, ताकि फेसबुक से नंबर वन का खिताब ना छिने, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और वही हुआ कि फेसबुक ने बहुत सारी आपत्ति की क्योंकि उनका जो व्हाट्सएप था वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड था, उसमें प्राइवेसी के इश्यूज आने लग गए थे और बहुत सारी शिकायतें होने लग गई थी, और ये भी कहा गया था कि व्हाट्सएप का डाटा सरकार को देना होगा। उन सारी चीज़ों में फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, आपका गूगल है, इन सब लोगों ने बहुत सारा, मेटा, इन सब लोगों ने बहुत सारा सरकार को दबाव बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मान लीजिए अगर वो व्हाट्सएप अगर चलता है इनक्रिप्टेड तो भारत के लिए अलग से थोड़ी वो व्हाट्सएप बनाएंगे। फिर उसमें और सारा आ गया, वो सूचना का एक कानून आ गया था जिसमें कि आपने एक, अगर आपको एक मैसेज मिला है तो वो मैसेज कहाँ से जनरेट हुआ सरकार पूछेगी तो आपको बताना पड़ेगा, वो बहुत सारे कानून आ गए थे। तो उसके कारण जो इंटरनेशनल टेक कंपनियाँ अनकम्फर्टेबल थीं, और आपको भी अचरज हुआ होगा, मुझे भी अचरज हुआ कि डाटा प्रोटेक्शन पे कानून आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भारत में ये जो टेक कंपनियाँ हैं ये वैसे ही चल रही हैं, व्हाट्सएप का मैसेज फिर भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। सरकार ने अगर कुछ परिवर्तन किया तो वो परिवर्तन सेवाओं में तो दिखना चाहिए, इसका मतलब ही ये था कि इन कंपनियों को सरकार से अश्योरेंस मिला हुआ है, लेकिन वही वाली बात है भाई, बेइज्जती मत करो यार, हम धीरे से बाहर कर देंगे। तो सरकार ने क्या किया, उसको JPC के पास भेज दिया, JPC ने उसमें बहुत सारे ऐतराज, ऑब्जेक्शन बताए, कुछ कमियाँ बता दी, फिर उन कमियों के आधार पर सरकार ने उसको होल्ड कर लिया। और अब सरकार ने जब होल्ड कर लिया है तो मैं आपको बता दूं कि इस कानून में पहले क्या चीज़ें थीं और अब क्या होने वाली हैं। इस कानून में एक चीज़ ये थी कि जो सोशल मीडिया कंपनियां थीं उनको प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया था कि उनके ऊपर जो भी कंटेंट आएगा, जैसे कि अगर आप कोई एक किताब लिखते हैं और वो कहीं पब्लिश होती है, या एक खबर लिखते हैं या लेख लिखते हैं, किसी अखबार में छपता है, तो वो जो लेख छपा है उसके लिए अखबार भी जिम्मेदार होता है। लेकिन सोशल मीडिया कंपनी कहती नहीं, हम तो प्लेटफॉर्म हैं, हमारे यहाँ लोग लिख रहे हैं और लोग आप पढ़ रहे हो, तो हम उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हो सकते। तो सरकार कह रही थी नहीं, आप पब्लिशर माने जाओगे, यानी आपकी भी जिम्मेदारी होगी। एक तरह से तो ये लॉजिकल भी है कि जब आप एल्गोरिदम लगाते हो, ये लगाते हो, वो लगाते हो, तो भाई कंट्रोल करो फेक न्यूज़ को। तो उस स्थिति में वो पब्लिशर की तरह ट्रीट की जाने वाली थी, तो इसलिए सोशल मीडिया कंपनियों को बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनके पास वो खर्चा भी नहीं करते थे, भारत में स्टाफ भी नहीं रखते थे, फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट में कुल 20 लोग होते थे, और इसके अलावा उन 20 लोगों में कितने मेजोरिटी के हैं, कितने माइनॉरिटी के हैं, एक बैलेंस रखना होता है ना, ताकि किसी वर्ग के साथ न्याय ना हो, ये भी जानकारी देने को फेसबुक तैयार नहीं था। और यही सारी चीज़ें बड़ी हो गई थी और इन कंपनियों को लगने लगा था कि इस तरह से तो हम भारत में कारोबार कर नहीं पाएंगे। सरकार ने कहा ठंड रखो, कुछ दिन रुक जाओ, हम वापस ले लेंगे। अब ये जो नए नियम आए हैं उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं,
जैसे कि जो OTT का डाटा है उसको अब मेन जो प्लेटफॉर्म है उसको नहीं स्टोर करना पड़ेगा, जो सिस्टम ऑपरेटर है जो आपके पास में, जैसे जियो है, जैसे एयरटेल है या और कोई केबल कंपनियां हैं, हैथवे वगैरह है, इनको अपने पास उनका डाटा रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। ये एक संशोधन आया क्योंकि उस डाटा में ऐसा कुछ पर्सनल नहीं था। इसके अलावा एक संशोधन और सजेस्ट किया गया है कि जो जिनकी सीमाएं लगती हैं भारत के साथ, सिर्फ उनका डाटा आप अपने पास रखो उन देशों के कम्युनिकेशन का, बाकी अमेरिका और वो सब तो बहुत सुरक्षित हैं, दूध के दूल्हे, भारत सरकार को कोई चिंता नहीं है उनसे। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से लागू करने की बात हो रही थी, कि हार्डवेयर और डिवाइसेस को कंट्रोल किया जाए, इस पर भी बात हो रही थी। और भारत में सेंसिटिव पर्सनल डाटा और क्रिटिकल पर्सनल डाटा को स्टोर करने की बात की गई थी, दो कैटेगरी में बांट के, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फ़िलहाल कानून वापस हो गया है, आपकी जीत हुई है और आपकी जीत के साथ साथ सरकार उन बड़ी ताकतों के आगे झुक भी गई है। ये तय करना मुश्किल है कि ये जीत आपकी है या सरकार ताकतों के सामने झुकी है, लेकिन आवाज़ तो दम से उठी थी, हर तरफ से इस पर आवाज़ उठ रही थी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसकी मूल भावना के खिलाफ था, संविधान की मूल भावना के खिलाफ था। कानून आ जाता तो कोर्ट में जवाब देना मुश्किल होता, और इसलिए इसको अभी होल्ड कर दिया गया। उम्मीद करते हैं कि जो अच्छा कानून आएगा, जो नया कानून आएगा, वो अच्छा कानून होगा और वो कानून किसी भी तानाशाह के हाथ में असीम ताकतें देने वाला नहीं होगा, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाला होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।